दोस्तों साउथ के सुपरस्टार अभिनेता प्रभास की बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली पार्ट टू दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे और इसी फिल्म से एक्टर प्रभास को पैन इंडिया स्टार का दबका भी हासिल हुआ। इस फिल्म की कहानी से लेकर इसके भव्य सेट, दमदार किरदार और शानदार सिनेमेटोग्राफी ने दर्शकों के दिलो दिमाग में एक अलग छाप छोड़ी थी। अब जबकि कुछ समय पहले यह बात सामने आई थी कि अभिनेता प्रभास और निर्देशक राजामौली बाहुबली चैप्टर 3 के लिए दोबारा हाथ मिला सकते हैं, तब से फैंस को इसका इंतजार बेसब्री से है। तो चलिए जानते हैं बाहुबली चैप्टर 3 को लेकर कहां तक पहुंची तैयारियां और क्या है इससे जुड़ी जरूरी अपडेट्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाहुबली पार्ट 1 और 2 दोनों ही जबरदस्त हिट रहे हैं, ऐसे में इसके तीसरे भाग या फिनाले को लेकर भी दर्शकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। कुछ समय पहले बाहुबली को लेकर जानकारी सामने आई थी कि इस पर विचार किया जा रहा है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहुबली के मेकर्स ने फिल्म की तीसरी फ्रेंचाइजी को लेकर कहा था कि बाहुबली में अभी इतना स्कोप है कि इससे एक और कहानी बुनी जा सकती है। बाहुबली के दूसरे भाग में जहां अभिनेता प्रभास के अपोजिट देवसेना की भूमिका में जहां एक्टर्स अनुष्का शेट्टी नजर आई थी, वहीं बाहुबली पार्ट 1 में तमन्ना भाटिया उनके अपोजिट रोल प्ले किया था। अब जबकि तीसरा भाग बनाने की बात चल रही है तो फिल्म की लीड एक्टर्स को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। जानकारी के मुताबिक तीसरे भाग में भी तमन्ना भाटिया नजर आ सकती हैं, लेकिन अभी किसी तरह से आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। बाहुबली का हर किरदार लोगों के जहन में बसा हुआ है, चाहे वह कटप्पा हो या शिवगामी देवी या फिर बल्लाल देव। बाहुबली में जितना अहम नायक के रूप में प्रभास को दिखाया गया था, उतना ही दमदार बल्लाल देव का किरदार भी था, जिसे अभिनेता राजा दग्गुमती ने निभाया था। अब तीसरे भाग में भी दर्शक प्रभास की टक्कर किसी दमदार अभिनेता के साथ देखना चाहते हैं। फिलहाल अभी इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जबकि इस बात के बारे में चर्चा है कि कहानी को वहीं से बुना जाएगा। तो ऐसे में अगर किरदार भी वहीं होंगे तो फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। दोस्तों बाहुबली 3 के साथ ही प्रभास कन्नप्पा मूवी में भी नजर आएंगे, जिसमें वह भगवान शिव का रोल प्ले करेंगे। आपके विचार से प्रभास को बाहुबली या भगवान शिव दोनों में से कौन सा गेटअप सबसे बेस्ट लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बाहुबली के प्रोड्यूसर दशा देवनानी ने मूवी के बारे में कहा कि हम अभी तुरंत ही इस मूवी को शुरू करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ और फिल्मों की जिम्मेदारियां हैं और उनको कंप्लीट करने के बाद हम बाहुबली 3 के बारे में सोचेंगे। प्रोड्यूसर प्रसाद देवनानी की बातों से इतना तो तय है कि वह बाहुबली के अगले पार्ट को बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बाहुबली के 2 पार्ट के बाद तीसरे पार्ट का कहर कितना फैलता है और बाहुबली को लेकर आपका इंतजार किस लेवल तक है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि बाहुबली जो प्रभास का स्टारडम है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस मूवी ने प्रभास को फिल्म इंडस्ट्री में किस लेवल तक पहुंचा है ये सभी लोग जानते हैं। और अगर आप प्रभास की कल की मूवी की ऑल अपडेट्स की जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। या अगर आप कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 3 की ट्रेलर रिव्यू या अपडेट्स चाहते हैं तो नीचे वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। आप एक बार जरूर वॉच करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।